हेलो स्टूडेंट, हम 9th क्लास का टॉपिक आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल इज जनरली कंपोज्ड ऑफ थ्री बेसिक कंपोनेंट। जो सेल है हमारा, वो मेनली कितने कंपोनेंट से बना हुआ है? तीन कंपोनेंट से। पहला तो क्या है? सेल वॉल। ठीक है, जरूरी नहीं है वैसे ये हर एक में हो, ज़्यादातर प्लांट्स एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन सेल मैम्ब्रेन हर एक ऑर्गेनिज्म में, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल मैम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, न्यूक्लियस होता है, ये भी ज़रूरी नहीं है, बट हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल। साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या आते हैं? हमारे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, चलिए। सेल मैम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मैम्ब्रेन भी बोलते हैं। बेटा, प्लाज्मा मैम्ब्रेन क्या है? इट्स जस्ट अ कवरिंग ऑफ द सेल। सेल की क्या है? सिर्फ ये कवरिंग है, दैट सेपरेट दी कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। देखो, ये सेल मैम्ब्रेन है। ठीक है, अंदर इसकी क्या है? न्यूक्लियस, और यहाँ पे सेल साइटोप्लाज्म और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स, और बाहर भी बहुत सारा क्या होता है? लिक्विड होता है। तो सेल मैम्ब्रेन क्या कर रही है? सेल मैम्ब्रेन क्या कर रही है? ये एक कवरिंग है जो सेपरेट कर रही है एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट को, एक दूसरे से क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है। समझ में आया? इट इज अ लिविंग पार्ट ऑफ सेल। ये क्या है? लिविंग पार्ट ऑफ सेल है, प्रेजेंट इन दी सेल ऑफ सेल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इट इज अ वेरी थिन, बहुत थिन होती है, डेलिकेट है, इलास्टिक है, सेलेक्टिवली परमेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेलेक्टिवली परमेबल। मतलब कि परमेबल मतलब कि परमेबिलिटी, ट्रांसफर होना अक्रॉस द मैम्ब्रेन, कोई भी मॉलिक्यूल्स इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड द सेल का मूव होना इज अ परमेबिलिटी। लेकिन कैसी परमेबिलिटी है? सेलेक्टिवली। ऐसा नहीं है कि हर एक मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने दिया जा रहा है ना, हर एक मॉलिक्यूल्स को बाहर एग्जिट किया जा रहा है, नहीं। ओनली सेलेक्टिवली, जितनी मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है अमाउंट, एंड जिस मॉलिक्यूल की ज़रूरत है सिर्फ उसी को अंदर जाने दिया जाएगा सेल के, और उसी को अन सेल के बाहर जाने दिया जाएगा। हमारे पास परमेबिलिटी में तीन परमेबिलिटीज होती हैं। पहला क्या है? परमेबिलिटी मतलब कि जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर और कोई भी मॉलिक्यूल सेल के बाहर कितनी भी अमाउंट में ऐसे ही ट्रैवल कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास? नॉन परमेबिलिटी। नॉन परमेबिलिटी में बिल्कुल रिजिड होती है सेल मैम्ब्रेन, जिसमें एक भी मॉलिक्यूल्स अंदर या बाहर नहीं क्रॉस करेगा। लेकिन सेलेक्टिवली परमेबिलिटी से का फायदा ये है कि जितना जिस अमाउंट में हमें मॉलिक्यूल की ज़रूरत है वो अक्रॉस द मैम्ब्रेन ट्रेवल करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया? तो इट हेल्प इन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। इसी वजह से ये किस में मदद करता है? डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में। अभी हम डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस देख लेते हैं। डिफ्यूजन क्या है बेसिकली? डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। किसी भी मॉलिक्यूल्स का हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में मूव होना, उसको क्या बोलते हैं हम? डिफ्यूजन। जैसे कि एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन विथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखो बेटा, इसको समझने के लिए सपोज ये दो सेल हैं। ठीक है, क्लियर है? और ये क्या है हमारे पास? ब्लड वेसल। ये क्या है? ब्लड वेसल। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी अल्वोलाई है ये, और ये कौन सी है? ये अल्वोलाई सेल है। ठीक है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो कम है, एक तरह से कंसेंट्रेशन मान के चलो, ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन यहाँ पे क्या है? कम है। तो ये हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन कैसे मूव करेगा? थ्रू डिफ्यूजन। ठीक है, अब जब ऑक्सीजन ब्लड में आ गई है ना, और यहाँ पे CO2 की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो ये CO2 यहाँ की तरफ मूव कर जाएगा अगेन वाया डिफ्यूजन।
ठीक है, तो ये एल्वोलाई की सेल्स हैं और ये है ब्लड वेसल्स के ब्लड वेसल हैं। तो जब भी ये ऐसे क्रॉस करते हैं तो किसकी वजह से करेंगे, डिफ्यूजन की वजह से करेंगे। क्लियर। एंड ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में ध्यान रखना सेम मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन बेटा बीच में क्या होती है, एक सेलेक्टिवली मैम्ब्रेन होती है, जो अभी हमने पढ़ी थी। क्या होती है? सेलेक्टिव मैम्ब्रेन। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स मूव करता है वो हमेशा याद रखना वो होगा क्या, सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट मूव करेगा लाइक वाटर। ठीक है, और यहाँ पे हमारा सॉल्यूट मूव करता है जैसे कि आयंस, गैस, ग्लूकोज, इस तरीके से मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। सॉल्यूट, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे सॉल्वेंट मूव करेगा लाइक वाटर, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टिवली परमिएबल मैम्ब्रेन। ठीक है, समझ में आया बात यहाँ तक? अभी नेक्स्ट देखो क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? ऑल सेल वॉल इज नॉन लिविंग। अभी हमने पढ़ा था सेल मैम्ब्रेन कैसी है लिविंग, एंड सेल वॉल कैसी है नॉन लिविंग, थिक एंड फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल होती है, ठीक है, कवरिंग मेड अप ऑफ सेलुलोज। और किससे कवर होती है, किसकी बनी होती है सेल वॉल? मेनली सेलुलोज की। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक प्लांट। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? यूकैरियोटिक प्लांट्स में, के सेल्स में, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में। मेन कह सकते हैं हम प्लांट्स एंड प्रोकैरियोट्स में। फंक्शन क्या है? ठीक है, इसका क्या होता है, रिजिड शेप होता है, मतलब इसका फिक्स शेप होता है, बिल्कुल ये मूव नहीं करती है। इट प्रोटेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब रिजिड है तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, है ना, प्रिवेंट करेगी क्या, डेसिकेशन और डायनेसिस, मतलब कि डेसिकेशन और डायनेस का मतलब इन सेल, मतलब कि उस सेल्स का जो शेप है वो मेंटेन रहना चाहिए, उसमें से उसको ड्राई नहीं होने देगी, ठीक है, सूखने नहीं देगी या फिर बर्स्ट नहीं होने देगी। ठीक है, इट हेल्प इन दी ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ दी सेल। इट ऑल्सो हेल्प इन दी ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस सेल के अंदर और बाहर के लिए। क्लियर है यहाँ तक टॉपिक तुम्हारा? ठीक है, आगे के टॉपिक्स हम आगे देखेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।